हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ इंडियन एंड्रॉइड गेमर्स। पिछले वाली वीडियो में हमने हमारे कैस्टर की जो वॉल थी वो इनर वॉल्स उन्हें कंप्लीट कर लिया था, और इस वाली वीडियो में हम उसके स्नो ब्लॉक होते उससे कवर करने वाले ऊपर से, और उसी के लिए मैं स्नो बॉल्स लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हमारे जो हमारा बेस है वहाँ पे, यहाँ पे हमने पहले काम करते हुए फार्म बनाते हुए यहाँ बहुत सारी स्नो जो बॉल्स थी इन्हें कलेक्ट किया था, और कुछ स्नो के ब्लॉक्स मैंने पहले ही बना के रखे हुए। ये मैंने वीडियो के बाद बनाए थे, क्योंकि इसका वीडियो में बनाना इतना आसान नहीं होता और उसमें बहुत वक्त भी लगता है। चलो गाइस, जितने में रेंज बढ़ा लेते हैं, और इन पेड़ों को मैंने जब आपको बताए बिना ही लगाया हुआ है। जब मैं यहाँ से वाइन्स क्लिक करके ले जा रहा था तभी ने लगाया था, जो हमें वो पेड़ काटने के बाद वाइन्स मिली थी वुड मिला था, और कुछ जो मिले थे हमें सैपलिंग्स उन्हें मैंने यहाँ पे लगा दिया था। सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमारी एच पी थोड़ी कमी है। चलो गाइस, अभी चलते हैं जल्दी से हमारे कास्टल की तरफ, और दूर से हमारा कास्टल का कैसा दिखता है उसे भी देख लेंगे, उसकी लुक कैसी आती है दूर से। गाइस, अभी तक तो हमें नज़र भी नहीं आ रहा है। ओ गाइस, एक साइड नज़र आ गई हमें हमारे कास्टल की। गाइस, ये बाजू के जो डर्ट लगा रखी है इन्हें भी हमें जल्दी हटाना होगा। गाइस, हमारे कास्टल की लुक तो बहुत अच्छी आ रही है, और गाइस एक बदलाव मैंने किया है, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इस तरह से वुड को लगा दिया है, जिससे कि यहाँ की लुक अच्छी आएगी, और ये ग्रीन वुल से लुक थोड़ी ख़राब हो रही थी इसलिए मैंने इन्हें लगा दिया है। चलो तो गाइस, अभी सबसे पहले हम हमारी जो क्राफ्टिंग टेबल है उसके पास जाते हैं, और हमने यहाँ पे भी कुछ स्नो कलेक्ट करके रखी हुई है उसे भी इस वाली चेस्ट से लेते हैं। सॉरी गाइस, ये स्नो नहीं है, स्नो बॉल है, और हमें इन्हें भी यहाँ पे रख देना होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वुड को भी और इसको भी, ये वुड मैंने कल कलेक्ट किया था। गाइस, हम सभी को एक ही बार में रख लेते हैं, फिर बाद में हम एक ही बार में स्नो जो ब्लॉक्स है इन्हें कलेक्ट करते जाएंगे। अभी जल्दी जल्दी से हमें इनका यूज करके ऊपर एक रूफ टाइप बनाना होगा, हमारा जो मेन हॉल होने वाला है उसके ऊपर। बाकी का हम बाद में भी बना लेंगे, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, लेकिन मेन जगह पे हमें इसे लगाना है, क्योंकि ऊपर हमने इनर वॉल्स बनाई है, तो ऊपर की तरफ भी हमें जो स्टोन ब्रिक दिखने की ना दिखे इसके लिए कुछ लगाना था, उसी के लिए मैंने इन्हें चुना है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा है स्टोन ब्लॉक, सॉरी स्नो ब्लॉक, और ये लुक भी बहुत अच्छी देगा ऊपर से। और हमें स्नो बहुत आसानी से मिल भी जाती है, क्योंकि हमारा पूरा सर्वाइवल ही स्नो के आइलैंड पे। हम जो हरिया ग्रीनरी होती है उसके पास भी जाते हैं कभी कभी, पर हमें अभी जाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर से हमारे कास्टल की वॉल बनाने के लिए हमारे जो स्टोन फार्म है उसे, सॉरी गॉबी स्टोन फार्म है उसे रन कराना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लग सकता है जो होता है कोल, और कोल हमें मिलता है बहुत दूर दूर जाके माइंस को खोद खोद के, क्योंकि आसपास की सारी माइंस हमने पहले ही छान मारी और उसमें से तो हमें कुछ मिला नहीं। हमें सबसे पहले हमारा भी मेन वर्क है कि हमारा जो
और कास्टल है, इसे कंप्लीट करें और इसकी लुक बाद में और भी अच्छी हो, इसलिए हम अलग अलग चेंजेस इसमें करते रहेंगे। ऊपर भी 16 ही बैठते हैं गाइस, हमें 16 ब्लॉक्स यहाँ से कलेक्ट करते ही नहीं, यहाँ से रखते फिर इन्हें भी कन्वर्ट कर लेते हैं। गाइस अभी जल्दी जल्दी से इन्हें कन्वर्ट करके हमें सबको एक ही साथ लगाना होगा। गाइज आज बाकी के एक स्टॉक में पूरे 64 बैठते, लेकिन स्नो एक स्टॉक में सिर्फ 16 ही आ पाते, स्नो बॉल्स भी और स्नो ब्लॉक, सॉरी स्नो बॉल्स का सिर्फ स्नो ब्लॉक तो एक स्टॉक में 64 आ जाते हैं। तो गाइज हमें जल्दी जल्दी से इन्हें भी यहाँ पे रखना होगा। एक बच्चा इसे रहने देते, इसकी कोई जरूरत तो नहीं है वैसे अभी, इसे ये बाद में काम पड़ेगा क्योंकि हमें और भी स्नोबॉल्स यहाँ से कलेक्ट करनी होगी। इसे ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं हम, इसे काटा तो हमें मिलता है एक स्नोबॉल। और गाइस हमने एक भी कलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाने के लिए, इन वाइंस का यूज़ करके चलते ऊपर की तरफ। गाइस ये जो पोर्शन मैंने बनाया है रेड सैंडस्टोन से, ये ज़्यादा ही ऊंचा होगा ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और इसकी हाइट कम की जाए इसके बारे में भी बताना। मेरे ख्याल से इसके थोड़ी कम कर देनी चाहिए। देखो गाइज ये बाकी के वॉल्स मैंने बाद में कंप्लीट कर दी थी और ये कुछ इस तरह से लगती है। अभी हमें यहाँ सबसे पहले इसे यहाँ पे रख के हमारे जो स्नो ब्लॉक से इन्हें लेना होगा, इन्हें लगाना है इस तरह से यहाँ पे। गाइज आपको फिर से गोट की आवाज़ आती होगी, जो बकरी हमारी बाजू के खेत में वो उसकी आवाज़ है। अभी जल्दी जल्दी से इसे भी कंप्लीट करते हैं गाइज, और यहाँ पे हम ऊपर से लगाएंगे जो स्टोन ब्रिक्स होती है उन्हें, और उन्हें हम बाद में भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारा मेन काम तो यही है। अंदर की जो लुक आएगी वो भी अच्छी आएगी, और शायद मेरे ख्याल से ये ऊपर जैसे बर्फ गिर रही है ऐसा ही कुछ अंदर भी स्नो बॉल्स की वजह से होगा। वो नीचे इकट्ठा तो नहीं होगी लेकिन उससे लुक तो अच्छी आएगी, जैसे हमारे बेस पे हमारे जो ऊपर अनलिमिटेड वाटर सोर्स है उसकी वजह से होता है। हो गए हमारे एक पूरा 64 खत्म हो गए। गाइस आपसे आपको फिर से आवाज़ आती है तो उसको वो क्यों चिल्ला रही मुझे भी पता नहीं है। गाइस अभी जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना हो, गाइस हम इतनी उसमें जो ब्लॉक से ही लगा के बाकी के ब्लॉक्स जो है इन्हें बाद में लगाएंगे।
गाइस हम जो हमारे ग्रीन वूल ब्लॉक है इनकी हाइट एक ब्लॉक कम करके इन्हें और ऊपर से इन स्नो ब्लॉक्स को भी लगाते तो भी चलता, क्योंकि उससे हमारे कुछ जो ग्रीन वूल के ब्लॉक्स थे वो बच जाते। लेकिन अभी रात हो गई तो सबसे पहले सो जाते, सुबह उठ कर हमारा आगे का काम कंप्लीट करेंगे। और देखो गाइस ये अंदर से किस तरह से लगता है, और यहाँ पे जब झूमर लगेगा तो इसकी लुक और भी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से बाहर, और इससे पहले यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। गाइस ऊपर से भी इसकी लुक और भी क्लास आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ही स्नो कलेक्ट हो रही है, और उससे हमें स्नो ब्लॉक्स स्नो जो बॉल्स होती है वो भी मिलेगी, जिससे हम और स्नो ब्लॉक्स बना पाएंगे। हम इस टेक्निक का यूज़ करके इसे जल्दी जल्दी से लगा पाते हैं, हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और गाइस आपको मेरी इस टेक्निक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलो गाइस यहाँ से सबसे पहले कूदते हैं, इसके ऊपर भी लगाना है तो सबसे पहले इस तरह से करते हैं, बाद में इसे उधर। चलो गाइस इसी से हमारे स्नो थी वो ख़त्म हो गई, तो हम हमारे हॉस्टल के अंदर के स्नो को और डर हाथ में रख लेते, क्योंकि ऐसे गड्ढे अभी बनने वाले हैं बार बार। मेरे ख्याल से हमने हमारी शॉट लाई हुई तो उससे काटते, उससे तेज कटेगी मेरे ख्याल से। मैं गए जिस से तेज कट रहे तो सबसे पहले इसे काट लेते हैं अभी, और इसे काट के हमने सुनो जो ब्लॉक से इन्हें बनाएंगे। गए जी हमारा और एक रूम बनेगा यहाँ पे, इधर से हम जाएंगे हमारे जो वॉच टावर से ही लाइक दैट चारों तरफ रूम से ही, जिन्हें हम स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे, बाकी तो कोई यूज़ नहीं है इनका। जो हमारा मेन बेडरूम होगा वो इसके आगे वाला है, जो हमारे मेन हॉल के पीछे की तरफ होगा। अभी हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे एक ब्लॉक लगाते हैं, सॉरी डॉल्ट का ही ब्लॉक था आगे की तरफ। मेरे ख्याल से मसा नहीं कोई काम तो नहीं आता है, जब साथ साथ कुत्ते की भी आवाज़ आने लग गई है। यही गांव में रहता हूँ इसलिए ये सब आवाज़ सुनाई देती होगी कभी कभी वीडियो में, कभी कभी क्या लगभग हर रोज ये वीडियो में आवाज़ सुनाई देती है। और हम गए हमने बातों में बहुत सारी सुनो ये यहाँ से कलेक्ट कर ली है। गाइस हम बाद में यहाँ पे एक नीचे सीक्रेट जो रूम करेंगे वो दिक्कत दे रहा है, शोर से तो तेज कट रहा है गाइस, लेकिन इससे बहुत सारे डर्ट भी कट जा रही है, क्योंकि डॉग को बहुत तेज खाते हैं डायमंड के शिवा में आपके पास। हम यहाँ से एक और चक्कर लगाते हुए सब स्नो यहाँ से कलेक्ट करते हुए जाएंगे, और उसके सब वॉल्स बनाएंगे। एकदम सब रूम में आ गए अभी, ये देखो तरफ मेन हॉल में जाके वहाँ से कुछ स्नो को कलेक्ट करेंगे, फिर इससे स्नो बॉल्स बनाएंगे, फिर स्नो बॉल्स को
स्नो ब्लॉक में और उसे यूज करेंगे हमारे ऊपर के लुक को अच्छे करने के लिए। और गाइज आप लोग सोच होंगे कि उधर हम हाइट ऊपर के ऐसे हॉल के जैसे कितने रखिए, तो गाइज हम वहाँ पे ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल टाइप रूम बनाने वाले हॉल टाइप में, इससे मेरा मतलब है कि बहुत बड़ा रूम बनाने वाले जो कि स्टोरेज के काम आएगा बाद में जब हमारे नीचे के चेस्ट फुल हो जाएंगे, तब तक हम उसे सील पैक रखेंगे। उसको उधर जाने के लिए सीढ़ी होगी लेकिन उधर कुछ रखेंगे नहीं, ऐसे हम यहाँ से कलेक्ट करते करते अभी चलते हैं। गाइस मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे स्नो जो है इसे कलेक्ट कर लिया है, स्नो बॉल्स हमारे पास अभी है बहुत सारी। गाइस आपको पता होगा कि कैसे जो मिल्क बकेट है या फिर जो मिल्क बकेट ही इसे कैसे फिल करते, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, तो मुझे अभी तक पता नहीं है। और मैंने एक बार दूसरे वर्ल्ड में जाके क्रिएटिव मोड में भी देखा था तो वहाँ पे जो हमारी ये होती है मिल्क बकेट वो होती नहीं है वहाँ पे, वो सर्वाइवल मोड में होती है पर लेकिन उसका यूज केक बनाने में ये मुझे पता है, लेकिन वो इसे फिल कैसे करते हैं खाली बकेट को। चलो गाइस अभी हम जल्दी जल्दी से यहाँ पर रखते हैं। इधर में इधर ऊपर ध्यान रखना है गाइस, क्योंकि ख़त्म हो जाएंगे तो गाइस अभी मैं बचाऊ गिरते गिरते मेरी चेयर थोड़ी खिसक गई थी। चलो गाइस अभी हम यहाँ पे रखते हैं तेज तेजी से और फिर बना, इस बार हमने बहुत तेजी से काम किया है गाइस, तो मैं मेरे ख्याल से और स्नो कलेक्ट करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा। और अभी सिर्फ इतनी स्नो को हम कन्वर्ट करेंगे स्नो बॉल्स को, सॉरी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतने छोटे से टॉपिक पे बहुत लंबी वीडियो वो बोरिंग हो जाती है फिर, लेकिन हम इसे टाल भी तो नहीं सकते, ये मेन टॉपिक है। क्योंकि जो ऊपर का पार्ट है हमारा वो भी तो बनना चाहिए मेन पार्ट। तो चलो गाइस यहाँ से ऊपर चढ़ गए अभी, क्योंकि हमारे पास दूसरी सीढ़ी बनाई हुई नहीं है, इसी सीढ़ी से हमें जाना होगा उधर की तरफ। गाइस ये लुक को बहुत अच्छा, गाइस इसके बाद हम कौन सी भी अगले सीरीज चालू करें वो भी प्लीज़ कमेंट में बताना, हमें और थोड़ी सी चाहिए होती गाइस हमारा एक रूम पूरा हो जाता। गाइस चलो तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ गाइज़।